हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। माय सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुभारती मेडिकल कॉलेज के बारे में जो मेरठ में लोकेटेड है। तो चलिए जानते हैं आज हम सुभारती मेडिकल कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ वगैरह, यहाँ का मेस फैसिलिटी, लॉन्ड्री चार्जेस, टोटल फीस, मतलब ढेर सारी बातों के बारे में एंड क्यों ये कॉलेज इतना खास है, इतना पुराना है और इतना अच्छा नाम है इसका यूपी मेडिकल कॉलेज के अंदर। काफ़ी जाना माना कॉलेज है, आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड और मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ कैट एडमिशन पे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुभारती मेडिकल कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कॉलेज 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखा जाए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा साल हो गए हैं इसको इस्टेब्लिश हुए, काफ़ी पुराना ये कॉलेज है एंड मेडिकल फील्ड में इसकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छे से एंड मेरठ के अंदर मैं कहूँ तो नंबर वन ये कॉलेज है। एंड अगर मैं बात करूँ यूपी के मेडिकल कॉलेजेस की तो जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं यूपी में मेडिकल के, उनमें से सुभारती मेडिकल कॉलेज का भी एक नाम आता है ज़रूर। एंड आपको मैंने बताया ये मेरठ में लोकेटेड है, ठीक है, और कनेक्ट एक्टिविटीज कॉलेज की काफ़ी अच्छी है। ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ लोकेटेड नहीं है, मतलब बिल्कुल ही ऐसे एरिया में नहीं है जहां आपकी कनेक्टिविटी ख़राब हो, नहीं, ये एक सही इन्वायरमेंट, सही जगह पे कनेक्टिविटी कोई ख़राब नहीं है। मेरठ के अंदर ही आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा ये कॉलेज है। एंड अगर इसके हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो यार देखो इसका हॉस्पिटल काफ़ी जाना माना एक कॉलेज है, सुभारती हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर नाम है मतलब मेरठ के अंदर। और इसका जो पेशेंट फ्लो है तो उस हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो अमेजिंग जिसको कह सकते हैं हम इसका पेशेंट फ्लो है। आपको अच्छे से सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड अगर आपको ये कॉलेज मिल पाता है अपने एडमिशन के लिए तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं आपके लिए ये परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो ये हॉस्पिटल के बारे में हम बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे। एफिलिएशन के बारे में मैं बात करूं तो अब तो ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और अगर इसके रिकॉग्नाइजेशन के बारे में मैं बात करूं तो एनएमसी के द्वारा प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहां से भी अपन सेफ है क्योंकि एनएमसी से ही रिकॉग्नाइजेशन होना और रिकॉग्नाइजेशन मिलना ही सबसे ज़रूरी होता है मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो ये सब इसका कुछ ये स्ट्रक्चर है। एंड अगर मैं बात करूँ अब इसकी ट्यूशन फीस के बारे में तो सुभारती मेडिकल कॉलेज की जो लास्ट ईयर की फीस थी वो थी 11,31,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, पर ईयर की। लेकिन हो सकता है इस साल इसमें कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, 2%, 5%, 10%, इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट आप एज्यूम कर सकते हैं कि इतनी आपकी फीस होने वाली है, 11,31,000 या फिर 11.5 लाख के आसपास आप करके चल सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं दूसरे चार्जेस की इस कॉलेज की बात करूं तो 85,600 आपको यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको देने को मिलेंगे बल्कि। एंड यहाँ पे 3 लाख आपको सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, जो आपकी रिफंडेबल होती है वो आपको वापस मिल जाती है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके अलावा आपको 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख आपको यहाँ पे हॉस्टल फी नॉन एसी रूम्स के लिए देनी पड़ेगी। एंड अगर आपको एसी रूम चाहिए वो भी आपके लिए अवेलेबल है, उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, ये तो आप सभी को पता ही है। एंड इसके अलावा भी इस कॉलेज में आपको काफ़ी सारे मतलब चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। एग्जामिनेशन चार्जेस भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40-50 हज़ार के आसपास चला जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, आपने नॉन एसी रूम लिया हुआ है तो आपको कूलर लेना होगा, कूलर का भी आपको यहाँ पे रेंट देना पड़ता है। एसी लोगे तो बिल का तो वैसे इसमें कोई चार्जेस नहीं है। एंड लॉन्ड्री अगर आप रह रहे हैं तो कपड़े वगैरह भी आपको धुलवाने जरूर है, तो लॉन्ड्री का भी यहाँ पे काफी चार्ज बन जाता है अगर हम इसको एक लॉन्ग स्केल में देखें, 5 साल या फिर पर ईयर भी अगर हम इसको लगाए तो काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है, 15 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कपड़ा, तो ये ऐसे करके डिवाइड होता है लेकिन ये एक लार्ज स्केल पे चला जाता है। तो अगर मैं आपका फर्स्ट ईयर का टोटल खर्चा बताऊं, मतलब जो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे करना होगा वो 16.70-80 लाख के आसपास आपको यहाँ पे करना होगा अप्रोक्सीमेटली, तो उस हिसाब से आप अपना बजट बना के चल सकते। तो 2020 में जो इसकी कट ऑफ थी वो थी 416 एंड 416 से 2021 में ये बढ़ के 454 चली गई थी। तो आप लोगों ने देखा मतलब यूपी के हिसाब से काफ़ी मतलब काफ़ी सही इसकी कट ऑफ जाती है। एंड सेकंड राउंड की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो 445 इसकी लास्ट ईयर की सेकंड राउंड की कट ऑफ देखने को मिली थी, तो ये घट गई थी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर कॉलेज की कट ऑफ आपको बढ़ के ही देखने को मिलेगी सेकंड राउंड में, बहुत कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी घट भी जाती है, तो ये कॉलेज भी काइंड ऑफ इन्हीं कॉलेज में से इसकी सेकंड राउंड की घट गई थी, 445 थी लास्ट ईयर एंड टोटल 156 इस कॉलेज में अवेलेबल है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उस हिसाब से अपना जो कह सकते हैं पेशेंट फ्लो भी इमेजिन कर सकते हैं। पेशेंट फ्लो इस कॉलेज का मेरे को काफ़ी सही लगा, मतलब मैं अगर बताऊं पर्सनली मेरठ वगैरह के अंदर तो ये कॉलेज मेरे को बेस्ट कॉलेज लगता है। इस कॉलेज का बस ऐसा नहीं है यार कि इसका छोटा नाम है, नया कॉलेज है, पूरा नहीं यार, इसका मतलब
वो जो होता है ना फेस वैल्यू, जिसको हम कहते हैं कि हमारी फेस वैल्यू, तो इस कॉलेज की एक फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू एंड वो जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो है इस कॉलेज की मेरठ के अंदर। एंड आगे बढ़ते हैं, अगर इस कॉलेज की अब मैं आउटिंग टाइम के बारे में बात करूँ तो 9 PM इस कॉलेज का आउटिंग टाइम है। आप पास लेके जा सकते हैं, संडे को भी अवेलेबल है, पास लेके आप घूम सकते हैं। घूम क्या मतलब, अगर आपको कुछ काम है तो आप जा सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे मेस की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से मेरे को देखने को लगी। लॉन्ड्री के चार्जेस मैंने आप लोगों को बताए दिए। हॉस्टल में आपको यहाँ पे दो लोगों की अकोमोडेशन देखने को मिल जाती है। एंड हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी इसकी काफ़ी बढ़िया बताई गई हैं और हॉस्टल इसका काफ़ी अच्छा है। आपको मतलब एक नीट एंड क्लीन वाइब्स मिलती हैं। एंड इसकी अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूँ तो काफ़ी यार एक ह्यूज सा इसका कैंपस है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्यारा सा देखने में लगता है। आप सभी ने वीडियोस फोटोज के थ्रू देखा भी है। एंड अगर मैं आपको बताऊं इसका मतलब कुछ फैसिलिटीज़, तो आपको यहाँ पे जिम, और जिम की आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे खेलने के लिए, नहीं इस कॉलेज का नाम मतलब नेशनल में भी गया है, नेशनल में भी यहाँ से बच्चे गए हैं खेलने के लिए, तो स्पोर्ट्स के ऊपर भी इसमें काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाता है। बास्केटबॉल, क्रिकेट वगैरह जितना भी मतलब आप गेम खेल सकते हैं, आपकी अलग अलग टीम है स्पोर्ट्स की, ठीक है। एंड लाइब्रेरी, कैंटीन, ऑडिटोरियम्स एंड हॉस्पिटल के लिए काफ़ी अच्छे से मतलब ब्लड बैंक वगैरह, एमरजेंसी सर्विसेज, आपको OPD सर्विसेज और मतलब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। एंड अगर आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं अपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए। अगर आपने नीट में कम स्कोर किया है, आपका मतलब इतने रैंक नहीं है, थोड़े बहुत नंबर कम पड़ रहे हैं, तो गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन कराने में। तो यार देर किस बात की, यार एडमिशन क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग, यार प्लीज आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट हमें पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि हम आपकी बात सुन सकें, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सके, बातचीत कर सके कॉलेज से रिलेटेड। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर।